रानी तालाब मोक्षधाम में दाह संस्कार के दौरान 3 लोग झुलस गए। इनमें से 2 को नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कामठी के नागसेन नगर खलासी लाइन निवासी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए लोग रानी तालाब मोक्षधाम पहुंचे थे। दाह संस्कार की विधि के दौरान अचानक आग भभकने से सुधीर डोंगरे, दिलीप गजभिये और सुधाकर खोबरागढ़े झुलस गए। इस घटना से रानी तालाब मोक्षधाम में इकट्ठा लोग और शोकाकुल परिवार सब रह गए। डोंगरे और गजभिये की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें इलाज के लिए नागपुर भेजा गया है। कल रानी तालाब मोक्षधाम में सिद्धार्थ घूमने उनकी मैयत थी, जहाँ पर उसकी मैयत में कुछ लोग जमा हुए थे और उसको अंत्य संस्कार के तौर पर डीजल वगैरह डालकर जलाने की प्रोसेस चालू थी। उसमें डीजल या रॉकेल जो उनके पास था वो चीता पर डालते वक्त उसका फवारा वहाँ खड़े कुछ लोगों के ऊपर गया, जिसकी वजह से 2 लोग गंभीर, एक साधारण और एक कम, ऐसे 4 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें से जो गंभीर जख्मी थे दिलीप गजभिये और सुधीर डोंगरे, इनका मेयो हॉस्पिटल में उपचार के दरमियान मौत हुई है। दूसरा एक जख्मी था सुधाकर खोबरागढ़े करके, उसका इलाज चल रहा है प्रभात हॉस्पिटल में, और आउट ऑफ डेंजर है, वो आज शायद डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।